तो चलिए फ्रेंड, आज का जो अपना टॉपिक है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी को स्टार्ट करते हैं। यानी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कैसे वर्क करता है, यानी कि कैसे गंदा पानी को हम लोग प्योर वाटर में कन्वर्ट करते हैं, इसके बारे में हम लोग आज डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा कंपोनेंट्स होता है और हर एक कंपोनेंट का कैसे फंक्शनिंग होता है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल से समझने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं। तो देखिए, सीवेज का मतलब क्या होता है। सीवेज को हिंदी में बोला जाता है गंदा पानी, और ट्रीटमेंट का मतलब होता है इस गंदा पानी को हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, यानी कि इसको ट्रीट करके क्लीन वाटर में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए एक हम लोग को प्लांट का जरूरत पड़ेगा। तो ऐसा प्लांट जहां पर गंदा पानी को प्योर वाटर में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि साफ पानी में कन्वर्ट किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एसटीपी। तो सबसे इस सीवेज वाटर का मतलब समझ लेते हैं, यानी कि पानी हमारा गंदा कैसे होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पानी हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। यानी कि अगर हम लोग को खाना बनाना है तो भी पानी का यूज करना है, बर्तन साफ करना है तो भी हम लोग पानी का यूज करते हैं, कपड़ा धोना हो, नहाना हो, बाथरूम में जाना हो, ये सारी जगह हम लोग पानी का यूज करते हैं। बहुत सारे प्लांट में भी हम लोग का पानी का बहुत ही ज्यादा मतलब ब्रॉड वे से यूज किया जाता है। तो इस तरह से पानी का जो यूज है वो बहुत ही ज्यादा ब्रॉड वे से किया जाता है। और जैसे ही हम लोग पानी का यूज कर लेते हैं तो वो पानी क्या होता है, यहां से निकल करके हमारे गटर के माध्यम से नदी में चला जाता है। तो जैसे ही ये पानी नदी में चला जाता है तो जो पानी यहां से जाता है इसके अंदर बहुत सारा इंप्यूरिटीज भी रह जाता है। जैसे कि अगर आप बर्तन धो रहे हैं तो बर्तन धोएंगे तो क्या होगा, जो भी चावल वगैरह है थोड़ा सा निकल के चला जाता है, तो उस चावल में क्या रहता है, कुछ ना कुछ कार्बन पार्टिकल कार्बन रहते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर रहते हैं। तो इस तरह से इस पानी के अंदर हमारा ऑर्गेनिक मैटर मौजूद हो जाते हैं, यानी कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड मौजूद रहते हैं। हम लोग कपड़ा धो रहे हैं तो उसके अंदर जो हमारा डिटर्जेंट वगैरह है, सर्फ साबुन वगैरह, वो भी क्या होता है, इसके अंदर बह जाता है। या बाथरूम से निकलने वाला जो पानी है उसके अंदर भी लार्ज अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर देखने को मिलता है। या किसी भी प्लांट से जो वेस्ट वाटर निकलता है उसके अंदर भी लार्ज अमाउंट में इंप्यूरिटीज देखने को मिलता है, यानी उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स मौजूद रहते हैं जो कि अगर बह करके अगर नदी में जाता है तो नदी में जो जलीय जंतु हैं, यानी कि जो एक्वेटिक लाइफ है, उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा। यानी कि जो मछली वगैरह है वो क्या होता है, मर भी जाता है इस केमिकल के मतलब कांटेक्ट में आके, वो मर भी जाते हैं। तो जनरली होता क्या है कि जो हम लोग का प्लांट का वेस्ट हो या घर का जो हम लोग का वेस्ट हो, वो सब चीज क्या होता है, नली के माध्यम से गटर में चला जाता है। और जनरली देखा जाता है कि जब नली से या गटर से फ्लो करता है तो उसके अंदर बालू हो गया, कण हो गया, ग्रिट वगैरह जो हो गया, मिट्टी वगैरह हो गया, वो भी बहने लगता है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि प्लास्टिक ऐसे ही फेंक देते हैं तो वो हमारा गटर में ही चला जाता है। प्लास्टिक का डब्बा हो गया या हमारा जो प्लोथिन वगैरह हो गया, ये सब भी बह करके कहां चला जाता है, नदी में चला जाता है। तो इस तरह से हम लोग का जो पानी है वो बहुत ही ज्यादा गंदा हो जाता है। अगर इस गंदा पानी को डायरेक्टली अगर हम लोग नदी में भेज रहे हैं तो क्या होगा कि नदी के अंदर जो भी एक्वेटिक लाइफ है, जो मछली वगैरह है, वो अपना जीवन सर्वाइव नहीं करेंगे और कुछ समय बाद ही उसके कॉन्टेक्ट में आके वो मर जाते हैं। तो यहाँ पे और एक तरफ से क्या होगा कि जो पानी है, नदी का जो पानी है, वो बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेंट हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है। जबकि हम लोग क्या करेंगे, उसी पानी को हम लोग दोबारा से प्यूरिफाई करके हम लोग पीते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो गटर का पानी है, यानी कि जो हम लोग का सीवेज वाटर है, जो गंदा पानी है, उसको हम लोग ट्रीट करेंगे। यानी कि उसके अंदर जो भी मतलब इंप्यूरिटीज है, जैसे कि हमारा ऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज हो गया, इनऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज हो गया, यानी कि जो प्लोथिन वगैरह ये सब चीज जो है, इसको हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर लेंगे। उसके बाद पानी जब साफ हो जाएगा उसको हम लोग फिर से नदी में या जहां पे भी आपको यूज करना है, जैसे हम लोग को सिंचाई के लिए यूज करना है तो वहां पे भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इस सीवेज वाटर को कैसे ट्रीट किया जाता है, कैसे मतलब क्लीन वाटर में कन्वर्ट किया जाता है, उसी को हम लोग इस प्लांट के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए अभी हम लोग समझ लेते हैं कि सीवेज वाटर को कैसे ट्रीट किया जाता है, यानी कि गंदा पानी को कैसे साफ बनाया जाता है। तो देखिए, ये जो हमारा सीवेज वाटर है इसको मेनली थ्री वे से ट्रीट किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका फिजिकल ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि पानी के अंदर जो प्लास्टिक वगैरह हो गए, बालू हो गया, कण हो गया,
बीटी वगैरह हो गया, सबसे पहले इसको हम लोग ट्रीट करते हैं। तो जब हमारा फिजिकल ट्रीटमेंट हो जाएगा, इसके बाद पानी के अंदर हमारा ऑर्गेनिक मैटर रहता है, तो उसके बाद हम लोग उसको ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करते हैं। तो ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करने के लिए हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो सेकेंड होता है हमारा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अब जब बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो गया यानी ऑर्गेनिक मैटर रिमूव हो गया, उसके बाद हमारा पानी में क्या बच जाते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बच जाते हैं यानी कि बैक्टीरिया वगैरह बच जाते हैं। तो बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए हम लोग केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे। तो चलिए इस डायग्राम के मदद से हम लोग समझेंगे कि कैसे ये सारा ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी कि फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो एसटीपी का जो प्लांट है कुछ इस टाइप से अपीयर होता है। तो चलिए एक एक करके सारे कंपोनेंट्स का हम लोग डिटेल से समझते हैं कि कैसे फंक्शनिंग है। तो देखिए सबसे पहले जो हम लोग का रॉ सीवेज है यानी कि जो गंदा पानी है उसको हम लोग एक स्टोरेज टैंक में रखते हैं। तो यहां पे हमारा क्या रहता है, स्टोरेज टैंक रहता है। स्टोरेज टैंक से हम लोग क्या करते हैं इसको, देखिए ये हमारा क्या है, रॉ सीवेज है। यहां से सबसे पहले जो हम लोग करते हैं वो एक जाली से पास करवाते हैं। तो देखिए यहां पे लिखा हूं सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, यानी कि ये आपको जाली टाइप का दिख रहा है, इसके अंदर डिफरेंट साइज का जाली है, यानी कि पानी जब इसके ऊपर आएगा तो इसके ऊपर जो भी पानी के अंदर जो भी फ्लोटिंग मटेरियल है, जो भी जैसे कि प्लास्टिक वगैरह है, वो क्या होगा यहीं पे ट्रैप हो जाएगा। और जो इस स्क्रीन से हमारा पानी निकलता है, निकल करके कहां जाता है, तो देखिए ये हमारा जाता है दूसरा स्टेज में जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रिट चैंबर। तो ग्रिट चैंबर में क्या होता है, देखिए यहां से हमारा पानी क्या होगा जो आएगा उसके अंदर जो बड़े साइज वाले जो पॉलीथीन वगैरह है, जो प्लास्टिक वगैरह है, वो यहीं पे ट्रैप हो जाएगा। और इस जो स्क्रीन का जो साइज है उससे छोटे वाले जो भी मतलब इंपिडेंस है वो क्या होगा यहीं पे आ जाएगा। तो दूसरा सेक्शन में आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रिट चैंबर। तो ग्रिट का मतलब क्या होता है कि जो हमारा बालू कण वगैरह है वो क्या होगा, जो बड़े साइज वाले जो इंप्यूरिटीज होंगे वो क्या होगा इस पानी के अंदर रहेंगे, तो वो धीरे धीरे डेंसिटी हाई होने की वजह से क्या होगा यहाँ पे बैठ जाते हैं, यानी कि जो बड़े साइज वाले जो ग्रीट हैं, स्टोन पीबल्स वगैरह है, वो यहाँ पे आके बैठ जाएंगे, यानी कि बड़ा बड़ा पत्थर हो गया वो सब बैठ जाएंगे। तो यहाँ से ये हमारा स्लज के फॉर्म में यहाँ बैठ जाते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसको ग्रीट डिस्पोजल कर देते हैं, जो भी बड़ा साइज का जो इम्पिटिज है उसको यहाँ से डिस्पोजल कर देंगे। और यहाँ से जो हम लोग का जो पानी है वो आ जाता है दूसरे सेक्शन में जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी क्लारीफायर। ये जो है हमारा बहुत बड़ा राउंड में बनाया जाता है और ये बहुत बड़ा टैंक होता है, इसको पानी को हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं कि पानी यहां पे शांत रहे। और पानी के अंदर जो भी इंप्यूरिटीज है, जैसे कि मिट्टी वगैरह हो गया या बालू वगैरह हो गया या जो छोटे छोटे ग्रिट वगैरह होते हैं, वो क्या होगा नीचे आके बैठ जाएंगे। जैसे कि आपके घरों में कभी आप देखे होंगे कि गंदा पानी जब नल से आने लगता है तो हम लोग क्या करते हैं कि बाल्टी के अंदर पानी भर लेंगे और उसके बाद उस बाल्टी को हम लोग कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, तो जो भी गंदा पानी है वो नीचे आके बैठ जाता है, उसके बाद हम लोग उस पानी को फर्दर यूज में ले लेते हैं। तो सिमिलरली इस प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में ऐसा ही किया जाता है कि जो पानी है उसको यहां पे ला दिया जाता है और यहां पे छोड़ दिया जाता है कि इसके अंदर जो भी इंप्यूरिटीज है वो नीचे आके बैठ जाए। तो जो भी इंप्यूरिटीज है वो क्या होगा यहां पे आके बैठ जाता है। तो इस तरह से यहां पे जो स्लज होता है, इस स्लज को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्लज, ठीक है। और इस स्लज को देखिए आगे हम चलकर देखेंगे कि ये क्या होता है। और यहां से जो क्लीन वाटर है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी इन्फ्लुएंट। ये पानी हम लोग का क्या होगा यहां से बह करके देखिए कहां जाता है, तो दूसरे सेक्शन में जिसको हम लोग बोलते हैं एयरेशन टैंक। तो इसका हम लोग अभी समझेंगे। तो देखिए यहां पे क्या हो गया कि जो भी प्लास्टिक वगैरह है, जो भी प्रोटीन वगैरह है यहां पे ट्रैप हो गया, जो भी ग्रिट यानी कि बड़े साइज के जो पीबल्स हैं, पत्थर वगैरह हैं, वो यहां पे हमारा क्या हो गया रिमूव हो गया। और नेक्स्ट में जो हमारा प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में क्या हो गया कि जो भी बालू मिट्टी वगैरह है वो यहां पे आके बैठ गया। तो इस तरह से हम लोग यहां पे क्या कर लिए, फिजिकल ट्रीटमेंट कर लिए, यानी कि पानी के अंदर हम लोग क्या किए फिजिकल ट्रीटमेंट कर लिए। तो यहां से यहां तक क्या होता है हमारा फिजिकल ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है पानी के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है, जैसे कि हमारा चावल वगैरह हो गया, ठीक है। यानी कि ऑर्गेनिक मैटर का मतलब होता है कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, जिस पानी के अंदर मतलब कि ऐसा इंप्यूरिटी जिसके अंदर कार्बन कंटेंट हो, ठीक है। तो इस कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को अब हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि हम लोग बीओडी के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, प्लीज उसको देखिएगा, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि पानी के अंदर जो इंप्यूरिटीज है, ऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज है, उसको हम लोग रिमूव करेंगे। तो हम लोग उस वीडियो में देखे थे कि ऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पानी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि पानी के अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह है, वो क्या करता है ऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज को खाता है। तो उसको खाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है, क्योंकि ऑक्सीजन का डिमांड करके जो इंप्यूरिटीज है उसको क्या करता है, डीकंपोज करता है,
ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे पानी के अंदर हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि इसके अंदर हमारा ऑर्गेनिक मैटर है और यहां पे बैक्टीरिया भी है, और पानी के अंदर हम लोग ये भी जानते हैं कि कुछ अमाउंट में डिजॉल्व ऑक्सीजन भी होता है। तो पानी के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो तो बहुत जल्दी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो बैक्टीरिया वगैरह है, वो बहुत जल्दी उसका कंजप्शन कर लेते हैं। तो यहां पर जब कंजप्शन कर लेंगे तो और यहां पर ऑर्गेनिक मैटर तो खत्म नहीं होगा। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट यहां पर ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, देखिए एक एयर कंप्रेसर का हम लोग यूज करते हैं। यहां से जब हम लोग कंप्रेसर चालू करेंगे तो यहां से हम लोग का क्या होगा, एयर इस पाइपलाइन के अंदर आएगा और यहां से हमारा एयर निकलते रहेगा। तो इस तरह से क्या होगा, इस पानी के अंदर अब हमारा क्या हो गया, बैक्टीरिया भी है, ऑर्गेनिक मैटर भी है और हमारा सफिशिएंट ऑक्सीजन भी मिल गया। तो अब क्या करेगा, ये जो हमारा बैक्टीरिया है इस ऑर्गेनिक मैटर को क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा यानी उसको खाएगा। तो इस तरह से पानी के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है यानी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है वो यहां से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो जब रिमूव हो जाता है तो ये सब बैक्टीरिया क्या होता है, मिल करके यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है मिल करके एक फ्लॉक बना देता है। फ्लॉक मतलब होता है कि मेस लाइक स्ट्रक्चर, जैसा ये है ना, बहुत बड़ा मेस लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, जाली टाइप का बना लेता है। और यहां से पानी के साथ क्या होता है, इसको हम लोग एयरेशन बोलते हैं, क्योंकि एयर यहां पे हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और पानी के अंदर जो भी ऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज है उसको बैक्टीरिया द्वारा यहां से हम लोग रिमूव कर रहे हैं। तो यहां से जो हम लोग का पानी निकलता है वो जाता है मतलब सेकेंड स्टेज में, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी क्लारीफायर या सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। ठीक है, यहां पे था हमारा प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, यहां पे है हमारा सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। यहां पे हम लोग क्या किए, पानी के अंदर जो मिट्टी वगैरह है, कण वगैरह है, उसको यहां पे सेटल डाउन करवाया। लेकिन यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि ये जो पानी हम लोग का आ गया, अब ये क्या है, ऑर्गेनिक मैटर फ्री है, यानी इसके अंदर अब ऑर्गेनिक मैटर नहीं है। अब क्या है, तो इसके अंदर केवल बैक्टीरिया है, क्योंकि यहां पे जो बैक्टीरिया है इस ऑर्गेनिक मैटर को खा लेता है। तो यहां पे जो बैक्टीरिया का जो अमाउंट है ना, बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, क्योंकि जब ऑर्गेनिक मैटर को खाएगा यानी अपना जब खाना बनाएगा तो यहां पे ये रिप्रोडक्शन वगैरह भी करते रहता है। तो इनका जो मतलब जनरेशन है वो वेरी फास्ट मैनर में इंक्रीज होता है, मतलब कि जो बैक्टीरिया है इसका ग्रोथ जो है वो बहुत फास्ट मैनर में होता है। तो इस तरह से इस पानी के अंदर बहुत लार्ज अमाउंट में बैक्टीरिया वगैरह मौजूद हो जाते हैं। तो ये पानी के अंदर हमारा क्या है, केवल बैक्टीरिया मौजूद है, हम लोग अज्यूम करते हैं। अब क्या होगा कि जब यहां पे पानी को हम लोग सेडिमेंट कर दें, मतलब ऐसे ही इसको छोड़ देंगे, ठीक है, तो बैक्टीरिया वगैरह क्या है, नीचे आके बैठ जाते हैं, यानी कि यहां पे आके हमारा बैक्टीरिया वगैरह बैठ जाते हैं, यानी कि ये क्या होता है, हमारा स्लज के फॉर्म में नीचे आके बैठ जाते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज, यानी इस पानी के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो फ्लॉक बना लेते हैं, यानी कि मेस लाइक स्ट्रक्चर बना करके वो उसका डेंसिटी ज्यादा हो जाता है तो नीचे आके बैठ जाता है, और जिसको हम लोग एक्टिवेटेड स्लज बोल रहे हैं। तो देखिए यहां पे जो हम लोग पानी भेजे थे, यहां पे जो हमारा पानी जा रहा था, इसके अंदर बीओडी अगर चेक करेंगे तो बीओडी क्या होगा, हाई होगा। लेकिन अगर हम लोग यहां पे अगर इसका बीओडी मतलब कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर चेक करेंगे तो यहां पे बहुत ही ज्यादा लो होगा, क्योंकि यहां पे हमारा ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा था, यहां पे हमारा ऑर्गेनिक मैटर बहुत ही कम है, इसलिए इसका जो बीओडी है वो क्या है, कम होगा। ठीक है, तो बीओडी वाला प्लीज एक बार वीडियो देखिएगा कि क्या होता है और कैसे इसको हम लोग एक्सप्लेन किए हैं, उसको आप समझ सकते हैं। तो बीओडी बहुत ही सिंपल सा है कि हम लोग क्या करेंगे, एक कंटेनर लेंगे, कंटेनर के अंदर जो हमारा ये वाटर है उसको अंदर भर देंगे, और उसके अंदर हम लोग एक फिक्स्ड अमाउंट में एयर भर देते हैं, ऑक्सीजन भर देते हैं, और उसके बाद हम लोग 5 दिन के लिए छोड़ देते हैं और देखते हैं कि कितना ऑक्सीजन का जो ये बैक्टीरिया है वो कितना कंजप्शन किया है। और जब हम लोग 5 दिन बाद उसको चेक करेंगे तो हमारा कितना ऑक्सीजन का कंजप्शन हुआ है, और इनलेट माइनस आउटलेट ऑक्सीजन आप करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस बैक्टीरिया द्वारा ऑक्सीजन का कंजप्शन कितना हुआ है, उसी को हम लोग बीओडी बोलते हैं। तो यहां पर हम लोग ऑक्सीजन के लिए क्या कर रहे हैं, यहां से एयर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस तरह से जो बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, इसको कंजप्शन करेगा। तो देखिए यहां पे क्या होता है कि ये जो हमारा बैक्टीरिया है यहां पे आ गया, स्लज बन करके यहां से आ गया, अब इसको हम लोग डिस्पोज कर देंगे। तो देखिए ये जो स्लज है हमारा क्या होता है, यहां से देखिए एक इधर रास्ता बना है, एक इधर बना है, तो यहां से ये जो स्लज है वो हमारा कहां चला जाता है, तो स्लज ट्रीटमेंट या इसको हम लोग डिस्पोज कर देते हैं। तो देखिए हमारा जो प्राइमरी स्लज है यानी कि जो भी ग्रिट वगैरह है वो भी इधर आ जाता है, या जो हमारा जो बैक्टीरिया वगैरह है, जो फ्लॉग वगैरह है, वो भी हमारा इधर से आके हम लोग डिस्पोज कर देते हैं। लेकिन एक जो हमारा पैसेज है वो इधर दिया है, तो कुछ जो स्लज है जो हम लोग का एक्टिवेटेड स्लज है उसको क्या करते हैं, इसको फिर से एयरेशन टैंक में भेज देते हैं। तो उसको भेजने के लिए हमारे पास एक रिटर्न स्लज पंप है, तो जब हम लोग ये पंप चालू करेंगे तो यहां से जो स्लज है उसको
खींचेगा और यहां से फिर से ये एरेशन टैंक में भेजेगा। तो ऐसा क्यों किया जाता है कि यहां से फिर से हम लोग इस स्लज को भेज देते हैं? तो देखिए एक्चुअली होता क्या है कि जब यहां पे हमारा क्या होगा, बैक्टीरिया का यहां पे प्रेजेंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हो सकता है कि जब आप यहां से मतलब पानी ले रहे हैं तो इसके अंदर जो बैक्टीरिया है उसका कमी हो जाता है, तो यहां पे ऑर्गेनिक मैटर जो है वो हमारा कम रिमूव होता है। तो इसको हम लोग कैसे पता करेंगे कि अगर हमारा बीओडी का वैल्यू जो इसका जो आउटलेट होना चाहिए उससे ज्यादा होने लगेगा, इसका मतलब कि यहां पे जो बैक्टीरिया है उसका कमी हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ बैक्टीरिया यहां से हम लोग इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हम लोग अपने घर में अगर दही जमाना है तो सबसे पहले कम से कम थोड़ा सा उसके अंदर दही डालना पड़ेगा, तभी जाके वो दही जमता है। सिमिलरली वही फंक्शन है कि यहां पे बैक्टीरिया का ग्रो कभी होगा जबकि इसके अंदर थोड़ा सा बैक्टीरिया होगा, तो यहां से हम लोग थोड़ा सा बैक्टीरिया इसके अंदर प्रोवाइड कर देते हैं, जिसके चलते यहां पे जो बैक्टीरिया का जो ग्रो है वो इंक्रीज होने लगता है और जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको क्या करेगा, ये खाने लगता है। तो इस तरह से हम लोग कुछ जो स्लज है उसको हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। और ये जो हमारा स्लज है ये कहाँ चला जाता है, तो स्लज ट्रीटमेंट प्लांट, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इस बैक्टीरिया के अंदर क्या है, ऑर्गेनिक मैटर को मतलब खाया है, तो ऑर्गेनिक मैटर इसके अंदर बहुत ज्यादा कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ये जो स्लज है इसको हम लोग एनएरोबिक बैक्टीरिया के पास मतलब भेज देते हैं, जिसके चलते एनएरोबिक बैक्टीरिया क्या है इसको खाएगा और उस तरह से जब खाएगा तो यहाँ पे हमारा मीथेन वगैरह प्रोड्यूस होता है, यानी कि गैस प्रोड्यूस होता है, जो कि उस गैस को हम लोग फिर से दोबारा अपने घर के चूल्हा वगैरह जलाने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, यानी कि जो स्लज होता है ना उससे भी हम लोग एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां से जो हम लोग का सेकेंडरी क्लारीफायर है, यानी कि सेकेंडरी जो सेडिमेंटेशन टैंक है, ये भी हमारा प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक जैसा ही होता है, बहुत बड़ा राउंड में होता है, ठीक है। और इसके टॉप से पानी निकल करके कहां चला जाता है, तो देखिए ये चला जाता है डिसइंफेक्टेंट होने के लिए, यानी कि ये डिसइंफेक्टेंट सेक्शन का मतलब हो गया कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस पानी के अंदर अभी भी हमारा बैक्टीरिया वगैरह मौजूद है, तो टोटल तो सेटल डाउन नहीं होगा, तो इस पानी के अंदर जो बैक्टीरिया है उसको भी हम लोग को रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, क्लोरीनेशन करते हैं। तो देखिए क्लोरीनेशन के लिए भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, प्लीज उसको देख लीजिएगा कि कैसे जब हम लोग यहां पे क्लोरीनेशन करेंगे तो पानी के अंदर जो बैक्टीरिया है वो कैसे किल हो जाता है, यानी कि बैक्टीरिया जो भी पानी के अंदर मौजूद है उसको रिमूव करने के लिए, उसको मारने के लिए, किल करने के लिए हम लोग यहां पे एक केमिकल ऐड करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल ट्रीटमेंट। तो देखिए यहां से यहां तक इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, या इसको हम लोग बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं। और इसके बाद हम लोग पानी में क्या कर रहे हैं, केमिकल ऐड कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट या टर्शरी ट्रीटमेंट। तो पहले क्या हो गया हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट, या इसको हम लोग फिजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं, दूसरा होता है हमारा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट और तीसरा होता है हमारा केमिकल ट्रीटमेंट। तो यहां से जो हमारा बैक्टीरिया वगैरह मर जाता है, इस पानी को अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से डिस्चार्ज कर सकते हैं टू द सरफेस वाटर, या इसको हम लोग नदी वगैरह में भेज देते हैं, या इसको अगर आपको यूज करना है इरिगेशन वगैरह सिंचाई वगैरह के लिए तो आप यहां से यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें कि कैसे सीवेज वाटर को प्योर वाटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पॉप ऑन डिस्कशन में आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।